मैं छोटी सी यहाँ क्लैरिफाई ये करूंगी, आइडिया एग्जैक्टली यही था कि मॉडर्न जनरेशन जिसको समझ सकती है। अभी तक तो क्या है, हमारी हिस्ट्री तो माइथोलॉजी हिस्ट्री है, हमारी वो माइथोलॉजी है, क्योंकि वो किस पे निर्भर है, सिर्फ जो रूलर्स हमारे अंग्रेज हमारे पे राज करते थे, भला वो क्यों कहने लगे कि आपने हमें सभ्य किया कभी, वो क्यों मानने लगे कि संस्कृत से लेटिन निकली होगी, वो नहीं मानने वाले थे, मगर अनफॉर्चुनेटली बाद में वही चलता रहा। मगर उसमें आपको कभी कोई साइंस मिली है? ये सारी किताबें, ये सारी जो रिसर्च है, वो मैं अकेली कभी नहीं कर सकती थी। आपको तो गया साहब शायद मालूम भी होगा, आप कई फोरम पे आए भी होंगे मेरे सेमिनार्स में। हमने 2009 में, मेरे रिटायर होने के बाद, ये मई जून में, एक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास क्रिएट करी, और उसके एडवाइजर कौन लिए? एडवाइजर लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के डायरेक्टर, एस्ट्रो कैलेंड्रिकल कैलकुलेशन जो करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर ऑफ नैनीताल के डायरेक्टर, और कैलकटा में हमारे पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर के डायरेक्टर, और आर्कियोलॉजी में तो बिष्ट साहब एंड मंजुल साहब एंड ऑल, कितने लोगों को लिया। फिर हमने पैलियोबॉटनी, प्लांट भी उस टाइम के जो थे, जो रामायण में मेंशन है, हमने ये भी ढूंढा क्या एविडेंस है कि वो 7,000 साल पहले इंडिया में थे, क्योंकि नॉर्मली तो कोई कहता ही नहीं कि कोई प्लांट भी थे तब। तो हमने नेशनल इंस्टीट्यूट, आपको तो मालूम है कि हमने पैलियोबॉटनी की जो इंस्टीट्यूट है लखनऊ की, और अहमदाबाद की फिजिकल लेबोरेटरी से भी साइंटिस्ट जोड़े। तो ये कोई, और ज्योलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से बल्दिया साहब को जोड़ा। अब इन सबको हमने कहा भी आप अपने अपने लेक्चर दीजिए, बताइए आपका सब्जेक्ट क्या कहता है, हम तो उसको लेंगे आपसे ही और इनपुट लेंगे, उसको समझेंगे, उनमें आपस में कोई रिलेशन है तो जोड़ेंगे। तो एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने ये क्या कहा है कि जब कोई नया आइडिया पूरे विश्वास और पूरी एविडेंस के साथ सामने आता है तो उसको थोड़ा सा समय लगता है, मगर वो आता जरूर है। मेरा ये मानना है कि सिर्फ इंडिया का नहीं, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद पूरे विश्व का इतिहास किसी तरह विज्ञान में के आधार पर लिखा जाएगा। इतिहास आर्ट का सब्जेक्ट नहीं रहेगा, इतिहास मल्टीपल साइंसेस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ये मेरे को विश्वास है, मेरी जीवन टाइम में नहीं होने वाला, मगर ये होगा। और नहीं, मैं ये एग्री ऐसा करूंगा। नहीं है कि कोई मानता नहीं है, बहुत लोग ये कहते हैं कि ये सब जो लेफ्टिस्ट राइटिस्ट हिस्ट्री है, एपीजे कलाम जी क्या कहते थे, उन्होंने पूरी किताब, ये पूरा थीसिस जो मैंने आपके सामने लिखा है, पूरा का पूरा एपीजे कलाम की पहले गाइडेंस में है, फिर उन्होंने पढ़ा, उन्होंने ये कहा अब इम्पेशेंट मत होना, ये कोई नया जो लिखा जाता है, ये मेरा तो कहते हैं एक ही पर्पस था कि हिस्ट्री ना लेफ्टिस्ट हो ना राइटिस्ट हो, हिस्ट्री साइंटिफिक हो, जिसमें हम शेयर्ड प्राइड फील कर सकें, बायस कोई ना हो। तो हम ये समझते हैं कि हमने एक अच्छी अटेम्प्ट करी है, मैंने और डीसी अग्रवाल ने मिलके, पहले एक हमने और कोई भी किताब भी लिखी इस सब्जेक्ट पे, कि ये बिगिनिंग होगी और लेफ्टिस्ट राइटिस्ट हिस्ट्री नहीं रहेगी। इंडिया की हिस्ट्री की पूरी होलोसीन पीरियड हम सबको मालूम है कि 11,700 साल पहले तो उसी पीरियड हुआ, इसी पीरियड में आपके सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, डिसेंडिंग असेंडिंग आने हैं। पर मेरे को कोई डाउट नहीं लगता कि यही है। हाँ, फर्दर स्कोप रिसर्च का हमेशा होता है, और ऐड करेगा और ऐड, कल कुछ और एविडेंस आ जाएगा, तो ऐसा हमारा मानना।